दोस्तों ये है रियलमी 7 का बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे सलमान भाई हमारे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा है, ये बहुत ज़रूरी है आजकल। उसके बाद यहाँ पे रियलमी 7 और उसके कुछ फीचर्स, हाइलाइटेड फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले सोनी का 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा का लिखा है, हीलियो G95 गेमिंग प्रोसेसर है, 30 वैट डार्ट चार्ज, 5000 एमएच बैटरी, 90 हर्ट्ज अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पे नीचे लिखा है नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड एंड्रॉयड मेड इन इंडिया, ये सब बॉक्स के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। ये 30 वैट का डार्ट चार्जर इस बॉक्स के अंदर में मिला है, 30 वैट का ये डार्ट चार्जर है। उसके बाद ये टाइप सी यूएसबी केबल है, टाइप सी यूएसबी केबल। उसके बाद ये सिम इजेक्टर टूल है और ये ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, दो सिम कार्ड और डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट इसके अंदर हमें मिलता है। और ये है केस फ़ोन के लिए, अच्छी केस उन्होंने रियलमी 7 के बॉक्स के अंदर को मिलती है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे टीवी रेन लैंड सर्टिफाइड है, एक क्विक गाइड है, रियलमी सेफ्टी गाइड है, ये डॉक्यूमेंटेशन हमें देखने को मिलता है इस बॉक्स के अंदर। ये है मिस्ट ब्लू रियलमी 7 का स्मार्टफोन, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉली कार्बोनेट का बैक पैनल देखने को मिलता है, प्लास्टिक है ये, ठीक है। रियलमी की ब्रांडिंग है यहाँ पे। स्मार्टफोन की जो हाइट है वो है 162.3 mm, इसकी जो हाइट है 162.3 mm की हाइट है, और विड्थ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ वो है 75.4 mm की इसकी विड्थ है। उसके बाद उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस वो है 9.4 mm की थिकनेस इसके है, 9.4 mm की थिकनेस है। उसके बाद इसका जो वेट है, वेट 196.5 ग्राम का इसका वेट है। रियलमी 7 में 6.5 इंच का फुल HD प्लस अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है, और इसका जो रिफ्रेश रेट जो है वो है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इसके अंदर दिया गया है, और रिजोल्यूशन जो दिया गया है वो है 2400x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन इसके अंदर दिया गया है। स्क्रीन टू बॉडी जो रेशो है वो है 90.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो इसके अंदर दिया गया है, और इसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्शन इसके अंदर दिया गया है, और बैक पैनल में आपको पॉलीकार्बोनेट दिया गया है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर विथ ऑन ऑफ स्विच इसके अंदर दिया गया है। ये साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपका सिम ट्रे रहता है। यहाँ पे 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे माइक दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे टाइप सी पोर्ट का जो चार्जिंग के लिए लगता है उसके लिए दिया गया है, और सिंगल स्पीकर इसके अंदर दिया गया है। ये रियलमी 7 स्मार्टफोन का जो कलर है मिस्ट ब्लू, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये परचेस किया है। 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरे का सेटअप यहाँ पे दिया गया है। ये जो कैमरा है प्राइमरी कैमरा वो है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरे इसके अंदर दिया गया है, जिसके अंदर सोनी का IMX682 का सेंसर यूज़ किया गया है, और यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है जिसका FOV 119 डिग्री दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट लेंस
दिया गया है वो 2 मेगापिक्सल का है, उसके बाद मैक्रो जो दिया गया है वो 2 मेगापिक्सल का इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पे एक फ्लैश आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एक पंच होल मिल रहा है, इसके अंदर भी एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है, और इसका भी इसके अंदर भी जो सेंसर दिया गया है वो भी सोनी का IMX471 का सेंसर इसके अंदर दिया गया है। डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है बहुत काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वैसे मैं इसका फुल रिव्यू का जो वीडियो है मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है MediaTek Helio G95 का गेमिंग प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ किया गया है, और मैंने जो स्मार्टफोन परचेस किया है उसके अंदर की जो रैम है वो है 6 GB रैम यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, और स्टोरेज जो है वो 64 GB का स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वैसे ये जो स्मार्टफोन है रियलमी 7 ये 8 GB और 128 GB स्टोरेज के साथ भी मिलता है। उसके अंदर इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है रियलमी UI वर्जन V1.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड वर्जन 10 के साथ आपको मिलता है। ये स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की एक अच्छी मैसिव बैटरी मिलती है, और चार्जर जो है वो है 30 W का डार्ट चार्जर आपको मिलता है। इस चार्जर के थ्रू आप ये स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। 30 W ये जो डार्ट चार्ज है ये इसके हिसाब से 26 मिनट में ये स्मार्टफोन की 50% की बैटरी चार्ज हो जाती है, और 100% चार्ज होने के लिए इसको 65 मिनट लगते हैं। ये जो स्मार्टफोन के अंदर की जो बैटरी है 65 मिनट में ये पूरे 100% बैटरी चार्ज हो जाती है। इस स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ किया गया है, और इस प्रोसेसर का जो अंततः बेंचमार्क है वो एक करीबन 3 लाख के आसपास आ जाता है, और इसके अंदर का जो CPU है वो है ऑक्टा कोर का अप टू 2.05 GHz का इसकी फ्रीक्वेंसी रेट दी गई है। GPU इसके अंदर ARM Mali G76 MC4 का इसके अंदर आपको GPU देखने को मिलता है।